जय हिंद, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आप सभी दर्शकों को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसे भगत सिंह ने महापुरुष बताया था, बात ऐसे क्रांतिकारी की जिसने अपने जीवन के 24 साल जेल में बिताए, बात ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिस पर अंग्रेजों ने खूब जुल्म ढाए लेकिन उसके हौसलों को पस्त न कर सके। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को दांव पर लगाया। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे जिसे महान बलिदानी भगत सिंह ने महापुरुष बताया था। उस महापुरुष का नाम है जोगेश चंद्र चटर्जी। 1895 में ब्रिटिश भारत में बंगाल के ढाका जिले के गावदिया नामक गांव में जन्म लेने वाले जोगेश चंद्र ने अपने जीवन के कुल 24 वर्ष जेल में बिताए। इतना ही नहीं, जेल में उन्होंने करीब 2.5 वर्षों तक भूख हड़ताल कर अंग्रेजी हुकूमत के पसीने भी छुड़ा दिया था। बता दें, जोगेश चंद्र चटर्जी काकोरी कांड के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में एक थे। काकोरी कांड में शामिल होने की वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि काकोरी कांड के पहले भी वह जेल की हवा खा चुके थे। सबसे पहले उन्हें 9 अक्टूबर 1916 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। दरअसल कुमिल्ला में वह बिपिन चटर्जी के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे थे, जिसके बाद अंग्रेजी पुलिस ने कोलकाता में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। युवा क्रांतिकारी जोगेश चंद्र चटर्जी को गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजी पुलिस ने जेल में उन पर खूब जुल्म भी ढाए। अंग्रेजी हुकूमत चटर्जी को जाड़े के मौसम में बर्फ की सिल्ली पर सुलाती तो गुप्तांगों में बिजली के झटके भी लगाती, कभी नाखूनों में सुइयां चुभोई जाती, लेकिन आज़ादी के प्रति जोगेश चंद्र चटर्जी का हौसला कभी कम न हुआ। कई बार उन पर पखाना तक फेंक दिया जाता था और मुँह धुलने के लिए पानी तक भी नहीं दिया जाता था, लेकिन आज़ादी के मस्ताने चटर्जी को पखानों की बदबू में स्वतंत्रता की खुशबू महसूस होती रही। पुलिस के इतने जुल्म और सितम के बाद भी जोगेश चंद्र ने कभी अपना मुंह नहीं खोला और आखिरकार सबूतों के अभाव में वह सितंबर 1920 में जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद 1923 में उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने युगांतर दल की नींव रखी। उत्तर प्रदेश आने के बाद जोगेश चंद्र अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उनका संपर्क सचिंद्रनाथ सान्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों से हुआ। इसके बाद काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। काकोरी कांड में शामिल होने की वजह से एक बार उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल में उन पर अंग्रेजी हुकूमत का जुल्म सितम जारी रहा। वहीं जब 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों की स्थापना की गई तो उन्हें रिहा किया गया। वहीं जेल से छूटने से पहले वह फतेहगढ़, आगरा और लखनऊ की जेलों में उन्होंने सजा काटी थी। कहा जाता है कि एक पल के लिए सूरज अपनी दिशा बदल सकता है, लेकिन भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों ने कभी अपने विचार नहीं बदले। इसका उदाहरण खुद जोगेश चंद्र चटर्जी ने पेश किया, क्योंकि जेल से छूटने के बाद भी वह एक बार फिर से अपनी पुरानी गतिविधियों में संलग्न हो गए। लेकिन 1940 में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया और देवली कैंप जेल में डाल दिया गया। जेल पहुंचने के बाद उन्होंने फिर से अनशन शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी रिहाई हो गई। लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया और अगले 4 वर्षों तक वह जेल की काल कोठरी में रहे। आखिरकार 19 अप्रैल 1946 को उन्हें हमेशा के लिए रिहा कर दिया गया। जोगेश चंद्र चटर्जी उन भाग्यशाली क्रांतिकारियों की फहरिस्त में शामिल रहे जिन्होंने आज़ाद भारत का सूर्योदय देखा। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में जगह दी थी। उम्मीद है आपको ये कहानी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।